सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे मैक्रम के लेटेस्ट और यूनिक डिजाइंस के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स के डिमांड पर आप सभी को मिरर का एक बिल्कुल अलग हटके यूनिक सा वॉल पीस बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड्स, इस मिरर वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पिंक और व्हाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। एक हमको 10 इंच का मिरर चाहिए, 10 इंच का एक वुडन स्टिक चाहिए और 10 इंच का दो राउंड रिंग चाहिए और एक छोटा वाला 1 इंच का रिंग चाहिए और कुछ बीड्स चाहिए, छोटा बड़ा कोई भी आप ले सकते हैं, और कुछ बेल्स चाहिए और लाइटर और सीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने चार तरह मतलब दो छोटा और दो बड़ा मैक्रम कट किया है। ये छोटा वाला व्हाइट कलर का मैक्रम है जिसको मैंने हाफ मीटर में कट किया है। पिंक वाले को भी मैंने हाफ मीटर में कट किया है और बड़ा वाला जो है इसको 4 मीटर में मैंने कट किया है और इसको भी मैंने व्हाइट वाले को 4 मीटर में कट किया है। और ये कितना पीस होगा इसको मैं रिंग में अटैच करने के बाद आपको बताऊंगी कि कितना कितना पीस मैंने इसमें अटैच किया है। पहले हम बड़ा वाला जो कॉर्ड है जो मैंने कट किया है उसको मैं अटैच कर लेती हूँ। सारे कॉर्ड को अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारे कॉर्ड को फंसाया है। ये इसका पैटर्न देखिए, पहले नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे ये नीचे का पोर्शन रहेगा, इधर मैंने ये जो 4 मीटर का कॉर्ड था तो 4 व्हाइट कॉर्ड है पहले, फिर 4 पिंक कॉर्ड और ये 4 व्हाइट कॉर्ड, ये मैंने यहाँ पे 4 मीटर का ये 4 व्हाइट पिंक कॉर्ड और 8 व्हाइट कॉर्ड यहाँ पे ये 4 मीटर का है और बाकी जितना सारा कॉर्ड है इसमें ये सब मैंने हाफ हाफ मीटर में कट किया है। इसमें मैंने 4 पिंक व्हाइट के बाद ये 4 मीटर का व्हाइट जो कॉर्ड है उसके बाद फिर उसके बाद से हाफ मीटर वाला सारा कॉर्ड चालू स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक। और ये जो हाफ मीटर का कॉर्ड है ये 4 पिंक कॉर्ड मैंने फंसाया है, फिर 4 व्हाइट कॉर्ड, 4 पिंक कॉर्ड, फिर 4 व्हाइट कॉर्ड, पिंक व्हाइट करके मैंने इस तरह से ये 4 मीटर का जो कॉर्ड था इसके बगल में पिंक है और ये व्हाइट है, व्हाइट के बगल में पिंक, फिर व्हाइट, पिंक, व्हाइट, इस तरह से करके मैंने पूरे में कॉर्ड फंसाया है। और ये जो हाफ मीटर का कॉर्ड है ये मैंने यहाँ पे 40 पिंक कॉर्ड लिया है और 36 व्हाइट कॉर्ड लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 ब्लॉक है तो 4 एक में 4 है, इस हिसाब से 40 पिंक कॉर्ड हो गया हाफ मीटर का। और ये व्हाइट वाला देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्हाइट कॉर्ड का ब्लॉक है तो यहाँ पे ये 9 4 36 हो जाएगा, तो 36 व्हाइट कॉर्ड है हाफ मीटर का। और ये नीचे का 4 मीटर का यहाँ पे 16 कॉर्ड है, सॉरी 12 कॉर्ड है, 12 कॉर्ड में 8 व्हाइट कॉर्ड है और 4 पिंक कॉर्ड है। अब इसके ऊपर हम मिरर को रखेंगे। इस तरह से हमको मिरर डालना है ऊपर की तरफ और इसके ऊपर एक 10 इंच का रिंग डालना है और सारे कॉर्ड को हम 1 by 1 करके जैसे हम मिरर बनाते समय पाइपिंग करते हैं ठीक
वैसे ही एक बार हम निकाल लेते हैं। सारी कॉर्ड को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको रिंग को फिक्स करने के लिए एक तरफ का हम एक कॉलम लेंगे और दूसरी तरफ का एक कॉलम लेंगे इस तरह से, और दोनों को पकड़ के खींचेंगे तो कॉर्ड भी सेट हो जाएगा और जो मिरर है वो भी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तरह से हम वन बाय वन करके सारे कॉर्ड खींच करके पहले इसको सेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा ये जो हम यहाँ पे 4 मीटर का वन, ये 4 व्हाइट कॉर्ड और 4 पिंक और 4 व्हाइट कॉर्ड जो है यहाँ पे नीचे की तरफ है 4 मीटर का, उसको छोड़ देंगे। उसको हम उसमें हम रबर लगा देते हैं। इसका हम पे इस पे वर्क हम 4 व्हाइट 4 क्रीम और फिर 4 व्हाइट, इस पे हम वर्क बाद में करेंगे। पहले हम ये चारों तरफ बना लेते हैं डिजाइन। इसके लिए 4 कॉर्ड लेना है, सेंटर के 2 कॉर्ड में एक बीट्स लगा करके नॉट लगा लेनी है। टाइट खींच लेना है, सेम प्रोसेस रहेगा पूरे। पूरे में हम सेम ऐसे ही पहले एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं एक बीट्स के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये रिंग फंसाने के बाद रिंग में एक एक मोती का राउंड लग गया है। इसके बाद हम इस तरह का डिजाइन ऊपर में बनाएंगे और नीचे वाला कॉलम हम ऐसे ही छोड़ देंगे, रबर लगाया है मैंने। हाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टेप और करना है। ये जो कॉलम मैंने बनाया है, पहले मैंने दूसरा डिजाइन सोचा था, फिर मैंने यहाँ पे एक अलग डिजाइन डाला, उसमें यहाँ पे 2 कॉर्ड कम पड़ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मैंने स्पेस छोड़ा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे जो मैंने पिंक कहा था, ये 4 मीटर व्हाइट कॉर्ड के बाद जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था, हाफ मीटर का जो मैंने पिंक कॉर्ड बोला था, तो यहाँ पिंक के बाद यहाँ पे हम ये जो 4 व्हाइट कॉर्ड है, 4 पिंक और 4 व्हाइट कॉर्ड के बगल में हम 2 व्हाइट कॉर्ड ऊपर के ही रिंग में हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही करेंगे, 2 हाफ मीटर का कॉर्ड व्हाइट कॉर्ड हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। बीट्स के बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो एक कॉलम है
उसमें दो नॉट के बीच एक नॉट लगाएंगे, दो दो पिंक पर दोनों तरफ छोड़ देंगे और सेंटर में एक नॉट लगा लेंगे हम व्हाइट कॉलम में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, दो नॉट के बीच एक नॉट लगा लेंगे। अब जब पूरे में ऐसे ही टू और वन का नॉट लग जाए पूरे में इस तरह से, तब हम इस तरह का ब्लॉक बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, सनफ्लावर डिजाइन। उसके लिए हमको फोर व्हाइट कॉर्ड को फोर फोर व्हाइट कॉर्ड के सेक्शन में इसको डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करके फोर कॉर्ड इधर और फोर कॉर्ड इस तरह फोल्ड करेंगे। तो पहले एक व्हाइट कॉर्ड पे फोर पिंक कॉर्ड को फोल्ड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ हो गया है। अब हम इस तरफ का फोर व्हाइट कॉर्ड लेंगे और इसके ऊपर सेम प्रोसेस के साथ हम इसको हम पाइपिंग कर लेते हैं। यहाँ जो व्हाइट कॉर्ड एट व्हाइट कॉर्ड एक जगह इकट्ठा हुआ है, सेंटर का फोर कॉर्ड लेकर के एक नॉट लगा लेना है। अब सेंटर का इस नॉट के जो सेंटर में दो कॉर्ड है इसमें हम एक बीट्स लगाएंगे। और फिर अब नॉट का नॉट में फोर कॉर्ड है तो दो कॉर्ड लेंगे और दो कॉर्ड साइड से लेंगे और इससे हम एक नॉट लगा लेते हैं। फिर अब इस तरफ भी सेम ऐसे एक नॉट लगा लेते हैं। बीच के कॉर्ड को खींच लेंगे, दोनों तरफ के बीच के कॉर्ड को खींच लेना है। अब दोनों नॉट में से बीच का दो कॉर्ड लेकर के और एक नॉट लगा देते हैं। और अब यहाँ पे सेंटर में ये जो जब दो ब्लॉक बन जाए इस तरह का दो ब्लॉक, और यहाँ पे ये जो व्हाइट पोर्शन के ऊपर जो सेंटर का फोर कॉर्ड लेंगे और पहले सेंटर के दो कॉर्ड में हम बीट्स डालेंगे और फिर इससे हम एक नॉट बना लेते हैं। इस तरह से पूरे में हम ऐसे ही जैसे ऐसा ब्लॉक मैंने बनाया है, देखिए पूरे में मैंने इस तरह से ही ब्लॉक बना करके तैयार किया है। देखिए फ्रेंड्स, पूरे में ऐसे ही ब्लॉक मैंने बना लिया है। अभी जो बचा हुआ है एक ब्लॉक, उसको मैं एक बार आप इसी तरह से मैं इसको यहाँ भी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये कॉलम है ये देखिए, ये बीट्स यहाँ देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बना है। तो 10 को हम यहाँ पे बीच में अब हैंगिंग के लिए मैं ऊपर की साइड में हैंगिंग के लिए मैं बनाऊंगी। इसके लिए हमको ये देखिए 1 2 3 4 5 छोड़ देना इधर, और ये एक कॉलम को मैंने यहाँ पे ये बीच का जो ये जगह आपको दिख रहा होगा
देखिए फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 दोनों तरफ 5-5 छोड़ देना है और सेंटर का जो यहाँ पे ये पिंक कलर का जो कॉर्ड है ये वाले को मैंने यहाँ पे और कॉर्ड यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको हैंगिंग के लिए बनाऊंगी। हैंगिंग के लिए बीच में ये दो कॉलम के बीच में हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच किए हैं उससे पहले हम सेंटर में एक कर लेते हैं दोनों तरफ का ये डिजाइन बन गया है। अब सेंटर में जैसे हम यहाँ डिजाइन बनाए थे यहाँ पे सेम वैसे डिजाइन बनाएंगे इधर भी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने इस तरह का डिजाइन कर लिया है, एक बीट्स लगा के नॉट लगाया है और फिर इस तरह से 1, 2, 1 बीट्स लगा करके ये ऊपर का हैंगिंग का पोजिशन का है ये हैंगिंग के। अब हम सारा कॉर्ड छोड़ देंगे और सेंटर का जो दो दो कॉर्ड है सेंटर का जो 4 कॉर्ड है तो इसमें हम और एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच कर लेते हैं क्योंकि ये कॉर्ड छोटा है और इसी से हम रिंग को पाइपिंग करेंगे। यहाँ मैंने कॉर्ड एक्स्ट्रा अटैच कर लिया है, ये 4 कॉर्ड को लंबा कर लिया है। अब यहाँ पे जो 1 इंच का रिंग है उसको लेंगे और इसके ऊपर हम नॉट लगाना स्टार्ट कर देते हैं 2 कॉर्ड से। दो कॉर्ड से मैंने हाफ रिंग कवर किया है। अब इधर का 2 कॉर्ड लेंगे और इससे हम हाफ रिंग कवर कर लेते हैं। अब मैं सारे कॉर्ड को यहाँ से लेके ये पूरे कॉर्ड को मैं कट कर लेती हूँ हाफ हाफ इंच की दूरी पर।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे मैंने ये 4 मीटर वाला जो यहाँ पे पोर्शन है, ये इसमें मैं एक डिफरेंट डिजाइन यहाँ पर डाल रही हूँ। पहले हमको सही 4 कॉर्ड लेना है और सेंटर के 2 कॉर्ड में मोती डाल करके और एक बीड्स लगा लेना है। ऐसे से पूरे में हम ऐसे ही मोती लगा के नॉट लगा लेते हैं। ये पूरे में मैंने बीड्स लगा करके नॉट लगा लिया है। अब साइड का जो 2 कॉर्ड है छोड़ देंगे और 2 पिंक कॉर्ड के बीच में एक नॉट लगा लेते हैं। इस तरह से और 2 व्हाइट कॉर्ड के भी बीच में लगा लेते हैं। इस व्हाइट कॉर्ड में नहीं लगाना है नॉट, दोनों व्हाइट कॉर्ड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये जो 4 व्हाइट कॉर्ड है इस पे हम 4 पिंक कॉर्ड को फोल्ड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 4 लाइन बन गया है। सेम ऐसे ही हम इधर 1 नॉट को यूज करके, 4 कॉर्ड को यूज करके सेम हम यहाँ भी ऐसे ही बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दोनों कॉलम बन गया है। अब सेम हम जैसे मैंने यहाँ पे ये डिजाइन बनाया है, सेम वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। हाँ, ये ब्लॉक बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कॉर्ड के सेक्शन में फिर से इसको डिवाइड कर लेंगे और ये जो पिंक कॉर्ड है, 4 पिंक कॉर्ड, इसको हम इसके ऊपर फोल्ड कर लेते हैं। एक ब्लॉक बन गया। अब हम सेम प्रोसेस के साथ इसको थोड़ा सा एक हाइट पे ले जाते हैं। सेम वही रहेगा, ये वाला डिजाइन यहाँ बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ 4 कॉर्ड जो है इसमें हम एक नॉट लगा लेंगे इस तरह से। अब इस पे हम पाइपिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं डिजाइन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीड्स लगा करके ये 1, 2 और 3 ब्लॉक बना करके तैयार किया है और इसके बगल में मैंने 2 और एक्स्ट्रा कॉर्ड जोड़ करके और इस तरह का पट्टी डिजाइन बनाया है। सेम इस तरह हमको यहाँ भी करना है। तो यहाँ आपके लिए हमको 4 कॉर्ड चाहिए, तो 2 कॉर्ड मैं इस तरफ अटैच करूंगी और 2 कॉर्ड इस तरफ अटैच करना है। तो 2 कॉर्ड जो है वो 4-4 मीटर का है और इसको व्हाइट वाले के बगल में हम यहाँ पर निकाल लेंगे।
दो नॉट है, इसके सेंटर का जो बीच का दो कॉर्ड है उसमें हम एक बीट्स लगा लेते हैं। अब ये जो कॉर्ड है बीट्स के अंदर का दो कॉर्ड, इस पे हम बाकी तीन कॉर्ड को पाइप इन कर लेते हैं। ये दोनों तरफ पाइपिंग हो गया है। अब हम ऊपर का एक कॉर्ड लेंगे और इसके ऊपर ये फोर कॉर्ड को 1 2 3 4 फोर कॉर्ड को पाइपिंग कर लेते हैं। सॉरी, थ्री कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे। थ्री कॉर्ड को हमको पाइपिंग करना है। ये ऊपर का जो कॉर्ड है, ये जो मोती में से निकला हुआ कॉर्ड है उस पे भी हम पाइपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन पाइपिंग हो गया है। अब ये जो यहाँ पे छुटा हुआ कॉर्ड है ऊपर का कॉर्ड लेकर के फोर कॉर्ड को पाइपिंग कर लेना है। जब फोर कॉर्ड पाइपिंग हो जाए तब यहाँ पे हम जो फोर कॉर्ड है साइड में उसमें सेंटर का दो कॉर्ड लेंगे और उसमें एक बीट्स लगाएंगे। और सीधा से नॉट लगाना है। सेम इधर भी करेंगे। और अब ये दो नॉट के बीच जो सेंटर का दो कॉर्ड है इसमें बीट्स लगा लेते हैं। बीच के कॉर्ड में एक बीट्स लगा लेंगे और सेम जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप किया था तीन कॉर्ड को पाइपिंग कर लेना है। यहाँ पे एक डिफरेंट स्टेप होगा फ्रेंड्स। इस वाले ब्लॉक में मैंने इधर के कॉर्ड पे पाइपिंग किया था लेकिन अब इस ब्लॉक में मैं इस तरफ वाले थ्री कॉर्ड पे मैं पाइपिंग कर लूंगी ये फोर कॉर्ड को। गिर गया तो मैं उठा दी, बिल्कुल इधर नहीं आना है। ये एक
ये 1 2 3 4 5 लाइन पाइपिंग हो गया है यहाँ पे देखिए। अब फिर सेम हम इस तरफ वाले कॉर्ड पे बाकी 4 कॉर्ड को पाइपिंग कर लेते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, ये वाला प्रोसेस सेम रहेगा, इधर बीट्स और इधर बीट्स। उसके बाद अब ये वाला ब्लॉक बनेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर ये वाला ब्लॉक 4th नंबर पे बनेगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये इस तरह का नीचे का डिजाइन तैयार है। यहाँ मैंने जैसा यहाँ पे ब्लॉक बनाया है वैसा इधर है, और जहाँ ये जो मैंने बनाया है उसको मैंने यहाँ पे दिया है, और लास्ट में मैंने यहाँ पे बस 2 बीट्स लगाया है। यहाँ पे भी लास्ट में 1 नॉट है और 1 2 नॉट के साथ यहाँ फिनिश किया है, इसको भी मैंने 1 2 नॉट के साथ फिनिश किया है। अब यहाँ पे हम एक ओलेर स्टिक लेंगे और सारे कॉर्ड को हम फोल्ड कर पाइपिंग कर लेते हैं फोल्ड। स्टिक मैंने फंसा लिया है, अब मैं इस डिजाइन को भी फिनिश करूंगी। ये स्टिक के बाद का हमको यहाँ पे एक लाइन बीट्स लगा करके और एक एक ब्लॉक बनाना है यहाँ पे। ये देखिए 2 कॉर्ड लेना है 4 कॉर्ड में से, इसे बीट्स लगाना है और एक नॉट लगा लेनी है। पूरे में हम एक लाइन से पहले बीट्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये एक लाइन बीट्स लगा करके इस तरह का एक ब्लॉक बना लिया है। अब हम इसको फिनिश करेंगे। अगर आप चाहें इसमें तो कॉम्ब वगैरह हैंग करने के लिए इसके बाद डिजाइन बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाया है क्योंकि वो यूज नहीं हो पाता है। फिनिश कर लेंगे और यहाँ पे हम ये ऐसा वाला एक ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पे ये फिनिश हो गया है, अब हम यहाँ पे जो कट लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये बेल्स लगा करके इस डिजाइन को कंप्लीट किया है। अब ये बिल्कुल बन करके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये मिरर वॉल पीस बना करके तैयार किया है। ये बहुत इजी है और बहुत सुंदर है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।